हेलो गाइस, मेरा नाम इंडियन मैन। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट और यूट्यूब कमेटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो अभी कुछ समय से ही हिंदुस्तानी भाव को बहुत सारे पाकिस्तान और IAI के थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, और जिसमें उन्हें मारने की धमकी मिल रही है। तो उसी के ऊपर उन्होंने एक IGTV पर वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है। एड्रेस दे रहा हूँ, तेरे थ्रू कॉलर पे मेरा नाम भी आ रहा है, फोन उठा रहे भड़वे। ये पाकिस्तानी नंबर है जिधर से धमकी का फोन आ रहा है मेरे को। ये देखो, ये पाकिस्तानी नंबर है। तुम्हारा बाप हूं मैं, समझा? तुम्हारा बाप हूं मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना मैं। और इसी वीडियो में उन्होंने एकता कपूर के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का लीगल एक्शन ना लेने ऊपर भी कहा है। और उन्होंने अनुष्का शर्मा की जो मूवी आनी है बुलबुल नाम से, नेटफ्लिक्स जो प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि कुछ उसमें कुछ ऐसा पार्ट है कि जिसमें हिंदू धर्म का डिसरिस्पेक्ट किया गया है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है इसके ऊपर। अभी तक सुशांत राजपूत को कोई इंसाफ नहीं, बस मरते जाओ ऐसे ही लोग। एकता कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बस पैसे का खेल। हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कूच करने के लिए, और ये हमारे पे FIR बनाते हैं बड़े लोग। अभी वो अनुष्का शर्मा, उसने बुलबुल वेब सीरीज निकाला जिसमें हमारे कृष्ण भगवान और राधा को बदनाम किया, अपमानित किया। कोई बोलने वाला नहीं, किसी की सुनवाई नहीं यहाँ पे। बस इनकी ही चलेगी, इनका ही पैसा, इनकी पावर। और हिंदुस्तानी भाव ने एक और वीडियो अपलोड किया अपने IGTV पर, जिसमें उन्होंने उस IAI बंदे को कॉल लगाया था जिसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। तो उसी के कन्वर्सेशन में बहुत सारी गालियां थी, तो मैं वो गाली तो आपको नहीं सुना सकता हूँ और ना वो वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, सॉरी। पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप उनके इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं। और अब हम सब लोग बात कर लेते हैं टिकटॉक बैन को लेकर। तो टिकटॉक तो बैन हो चुका है, तो उस पर बहुत सारे टिकटॉकर का रिएक्शन भी आया है। तो बहुत लोग बोल रहे थे मुझसे कि आप टिकटॉक का रिएक्शन भी दिखाइए, तो मैंने कुछ कुछ टिकटॉकर का रिएक्शन दिखाया और एजाज खान ने भी रिएक्ट किया है। जो #MumbaiNews जो एक इंटरव्यू आया है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारा टिकटॉक के बारे में बताया है। और अबराज जो भी है, तो अबराज खान का भी रिएक्शन दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या रिएक्ट हो रहा है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है। कहा है अभी करना पड़ेगा, फोन कौन देगा? लेकिन BJP देगी या कांग्रेस देगी या आप पार्टी देगी? कौन देगा फोन इन गरीबों को? पढ़ाई का पैसा कौन देगा? हाँ, इनके माँ बाप की जो दवाई है ये लोग लाते थे टिकटॉक बना के, वो कौन देगा? टिकटॉक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखो, देश के खिलाफ जो भी चीज़ हो सारी बैन होनी चाहिए, टिकटॉक नहीं, सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इसके लिए दूसरा कोई रास्ता निकालना चाहिए। जैसे कि सरकार को चाइनीज कंपनियों से बहुत सारा डोनेशन आया है कोरोना के नाम पे, टिकटॉक ने भी कुछ 200-250 करोड़ रुपये दिया है। तो वो 200-250 करोड़ सरकार को क्या करना चाहिए? ये जितने टिकटॉक बेचारे बेघर होने वाले हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को पालते थे, जो बच्चे डांस करके अपना घर चलाते थे, जो ट्रेनर लोग उस पर मोटिवेट करते थे लोगों को, ये जितने भी लोग हैं सिंगर्स एक्टर्स, ये सब अब बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर आपको फुल वीडियो देखना हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और अबराज खान ये रिएक्ट किए थे। गाइस देखिए सबका मुंह किस तरीके से उतरा हुआ है, सब लोग आज सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शांत माहौल है, दो चले पर कोई मस्ती नहीं, कोई शूट नहीं, सब शांति से बैठे हुए। ऐसा वक्त आया है आज, देखो टिकटॉक जाने के गम में आसमान भी रो पड़ा। क्या माहौल है? जिम जिम किधर? जिम जिम किधर? आसमान रो पड़ा है, देखो क्या करें, जस्ट सर्वर डाउन होने के बाद। तो
तो जैसा कि हम सब पता है कि भुवन बाम एक डबल धमाका करने वाले हैं कि वो अपना एक वीडियो और एक म्यूजिक एल्बम दोनों ही साथ में ला रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड किए हैं, वो लिखे हैं, इन अदर न्यूज आई कांट वेट फॉर यू ऑल लिसन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग, पहले एपिसोड आएगा फिर म्यूजिक वीडियो। तो उन्होंने ये बताते हुए एक वीडियो भी अपलोड किया है अपने स्टोरी पर, देखिए। तो इस पूरे साल का मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग महीना जुलाई होने वाला है, क्योंकि एक कॉमेडी एपिसोड आने वाला है मेरे चैनल पे और एक म्यूज़िक वीडियो आने वाला है। इस पूरे साल में अभी तक कोई एक ऐसा महीना नहीं रहा जब दिल से ऐसा लगाओ कि उफ मज़ा आ गया, क्योंकि इतनी बुरी खबरें हो रही हैं आसपास, इतना सब कुछ हो रहा है। बट जुलाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मंथ, क्योंकि इसमें धमाकेदार एक कॉमेडी एपिसोड है और फॉलोड बाय दैट देर इज अ म्यूजिक वीडियो, एक म्यूजिक, आई कांट टेल यू मोर अबाउट इट, बट इट्स वेरी स्पेशल, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट और आई एम वेटिंग फॉर जुलाई। क्या कहते हो, कर दें? तो जैसे कि उन्होंने बोला कर दें, तो इसका मतलब था मेरे से कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब के सब बजा देना और प्लीज़ मेरे नए बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि मेरे नए वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।